The second developmental stage, according to Piaget's theory, is the pre-operational stage. In pre-operational stage, uh, the child is going through the age two to seven years. Yani pre-operational stage ka The preschool child is in the pre-operational stage of development, प्री स्कूल यानी स्कूल नहीं जाना शुरू किया या प्री स्कूल जिसको आजकल प्री स्कूल कहा जाता है उसमें चले जाते हैं एंड देन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज इन कंट्रास्ट टू द इन्फेंट द प्री ऑपरेशनल चाइल्ड रिकोगनाइज दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन वेन ही डज नॉट टच देम अब यहां अगर हम देखें तो थिंकिंग थॉट प्रोसेस हमें क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि बच्चे इस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमेंस का एक कॉन्सेप्ट है जिस पे होल्ड ऑन करते हैं और ऑब्जेक्ट परम्स का मतलब यह है कि जो चीज उनके सामने नहीं है वो कहीं मौजूद है यहाँ ये देखिए कि छोटे बच्चे की अगर हम मिसाल लें और हम उसका एक टॉय उसकी आंखों के आगे से ओझल कर दें जो कि इन्फेंसी में है इन्फेंट है से दो साल तक जिसकी उम्र है तो वह बच्चा रोने लगेगा जबकि जो बच्चा दो से सात साल की उम्र में है अगर खिलौना उसकी आंखों से हटा दिया जाए और अलमारी में रख दिया जाए तो भी उसको यह इल्म होगा अब इस स्टेज में कि वो ऑब्जेक्ट वहां कहीं मौजूद है और मुझे उसके ऊपर एंक्शियस नहीं होना तो यहां जो चीजें सामने मौजूद नहीं आंखों के वो परमानेंट हैं और मौजूद हैं इस तरह की थिंकिंग बच्चे में डेवलप हो जाती है फॉर इंस्टेंस वेन अ चाइल्ड इज इन इन्फेंसी एंड मदर इज विद द द चाइल्ड इफ मदर स्टेप्स अवे probably goes to kitchen or somewhere else, the child would ultimately immediately started crying. The child would cry because he would, she would think that the mother has gone. When she is away from my eyes, she has just gone somewhere. But in this stage, when the mother goes away, for a while within the house the child has an idea that mother has gone away temporarily, but she is still around. If she is not in front of my eyes, that does not mean that she is not there. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है थिंकिंग में और ये डेवलप होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में एंड देन द प्री स्कूलर हैज डिवेलप्ड हिज ओन सिस्टम ऑफ सिंबल्स सिम्बल्स आर इमेजेस प्रॉप्स एंड वर्ड्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स इन द रियल वर्ल्ड अब जो एक दुनिया बच्चों के अंदर तख्लीक पा रही है वो ये है कि वो अपने अंदर ही सिंबल वर्ड्स और निशान चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं और बाहर की दुनिया को मतलब देने लगते हैं इंटरप्रेट करने लगते हैं डिवाइड करने लगते हैं सब करने लगते हैं ऐड करने लगते हैं अपने उन सिंबल वर्ड्स प्रॉप्स और इमेज के ऊपर जो उनके जहन में मौजूद हैं फॉर इंस्टेंस इमेज ऑफ अ ब्यूटिफुल टॉय अब वो ब्यूटिफुल टॉय कुड बी अ बाबी डॉल और कुड बी अ पुलिस कार सो इन केस ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रन इट्स डिफरेंट सो दे स्टार्ट नाउ डिवाइडिंग द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द इमेजेस एंड इंटरप्रिटेशन विच आर देयर इन देयर माइंड एंड दे लर्न टू यूज़ लैंग्वेज एंड टू रिप्रजेंट ऑब्जेक्ट्स बाई इमेज एंड वर्ड्स और यहाँ वो ज़ुबान का इस्तेमाल करने लगते हैं अल्फाज का लैंग्वेज का जिसमें वो वर्ड्स और चीज़ों और ऑब्जेक्ट्स को रिप्रजेंट करते हैं किस तरह से इमेज़ में और वर्ड्स में यानी तस्वीरें बना के ड्रॉ करके या अल्फाज लिख के उनके बारे में अब अब बच्चे को पता है कि अगर ये डॉल है तो मैं अगर डी ओ एल एल का लफ्स लिखूँ तो इसका मतलब है कि फ़ौर तखयल में या उनकी सोच में एक डॉल का इमेज आ जाएगा और अगर वो इमेज बना रहे हैं किसी चीज का डॉल को लिखते हैं या डॉल को बनाते हैं तो फिर जो लफ्स डॉल है वो भी उनके जहन में यकदम रोशन हो जाएगा तो ये हमें नजर आ रहा है कि अल्फाज का चीजों से और चीजों का अल्फाज से ड्रॉइंग्स का अल्फाज से और अल्फाज का ड्रॉइंग से यानी लैंग्वेज और थिंकिंग दोनों इकट्ठे डिवेलप होना शुरू हो गए हैं एंड देन थिंकिंग इज स्टिल ईगो सेंट्रिक ये जो ईगो सेंट्रिक का कॉन्सेप्ट है ईगो सेंट्रिक का मतलब है अपनी जात का महवर होना यानी आप जो सोचते हैं वो अपनी थिंकिंग अपनी फीलिंग अपनी जात से बियॉन्ड नहीं सोच सकते तो बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं उनको बस ये पता होता है कि ये मेरा टॉय है ये मेरा फीडर है ये मेरा बेड है यही मेरी दुनिया है इससे बाहर क्या एंग्जाइटीज और प्रॉब्लम्स हैं अभी वो ये सोचने के काबिल नहीं है और अगर उनकी दुनिया में कुछ ऐड होता है तो वो खुश होते हैं और अगर उनकी दुनिया से कुछ रिमूव कर दिया जाता है उनकी विल के बगैर तो वो परेशान हो जाते हैं एंड द चाइल्ड हैज़ ए डिफिकल्टी टेकिंग द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स अब बच्चा इस वक्त तो दूसरों के व्यू पॉइंट नहीं समझता याद रखिए इस एज में जब हम बच्चे को डांटते हैं और ये कहते हैं कि ये मत करो अब यहां बच्चा क्यों ना करो कि उस व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं है क्योंकि अगर उसे एक एक्टिविटी से प्लेजर मिल रहा है तो फिर अगर वो रुक भी जाएगा उसको करने से तो थिंकिंग नहीं है उसके पीछे उसके पीछे एक ऊंची आवाज का हुक्म है जबकि उसकी कोई एक्सप्लेनेशन बच्चे के अंदर डिवेलप नहीं की हुई एंड देन क्लासिफाइज ऑब्जेक्ट्स बाय अ सिंगल फीचर फॉर एग्जाम्पल ग्रुप्स टूगेदर ऑल द रेड ब्लॉक्स रिगार्डलेस ऑफ शेप्स और ऑल द स्क्र ब्लॉक्स रिगार्डलेस ऑफ कलर्स और यहाँ बच्चे जो हैं वो चीज़ों को एक सिंगल फीचर के तहत जो है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं डिवाइड करने की कोशिश करते हैं वो जो दुनिया उन्होंने बनाई है उसके अंदर कुछ ब्रॉडर डेफिनेशंस हैं फॉर इंस्टेंस अगर रेड कलर है तो रेड कलर में रेड कुर्सी रेड मेज़ रेड स्टूल रेड कंप्यूटर को वो इस तरह से डिवाइड नहीं कर पाएंगे सेगमेंट्स से में बल्कि समझेंगे कि ये सब रेड चीज़ें हैं अगर ब्लॉक्स हैं तो वो स्क्वेयर शेप में हैं, ट्रायंगलर हैं सर्कल है या किसी और शकल में है तो फिर उन्हें कलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नजर आएगा अभी वो शेप्स और उनकी डिटेल्स को डेप्थ में नहीं समझ पाएंगे